वही सुबह सुबह उठा, एक पार्सल आया, एक और ये ऐसा परफ्यूम ऐसे ही इसको हल्का स्प्रे कर दे, अच्छी है, लेकिन एक एयर फ्रेशनर बढ़िया होना चाहिए गाड़ी के अंदर। नया ही इसमें पूरी टेपिंग कर रहे हैं, सेम उसकी कलर की, सेम मटेरियल और पूरा ऐसा ही। सारी डल गई है, मतलब अभी इसको सारी लाइन करके अलाइन करके एडिट शुरू करते हैं इसका। नाश्ता भी आ गया है, एक कोरियर भी आ गया है। सो वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। गुड मॉर्निंग, तो क्या भाई ऑल, हाँ 11 बज रहे हैं शायद, हाँ 11 ही बज रहे हैं, तो गुड मॉर्निंग एक घंटा बाकी, गुड आफ्टरनून मेरी तो अभी गुड मॉर्निंग हुई है। तो वही सुबह सुबह उठा, एक पार्सल आया, एक और मेरा गुस्सा चढ़ा। मैंने कहा अब तो मैंने कोई इंस्टा से नहीं मंगाया, फिर पता चला हाँ नहीं है अमेजोन से मंगवाया है ये, ठीक है भाई यही शायद। मैंने कुछ कार के लिए कुछ मंगवाया था, परफ्यूम टाइप का है, तभी इसको खोल के दिखाएंगे क्या है ये। और ये चीज़ जो है ना भाई फ्रॉड, अगर आप कोई भी वीडियो देख रहे हैं ना यूट्यूब में, मतलब जो भी सब्सक्राइबर देख रहे हैं और इंस्टाग्राम पे आपने वो देखा है कोई गन से, वो शूट गन होती है स्पार्कलिंग गन, वो एक एलविश यादव भाई करके वो कर रहे हैं, स्पार्कल कर रहा है और उसकी रील डाल रखी है। तो मैंने कहा भाई मेरे को गन थोड़ी फैंसी सी लगी, मैं मंगवा लेता हूँ। मैंने मंगवाया भाई, मंगवा दिया इसने यार। मैंने जैसे कि लास्ट व्लॉग में बोला, उसने वो भेज दिया पाइप सा, वो जिस पौधों में पानी नहीं डालते वो, जो मतलब इतना ठग भाई आज के टाइम में इंस्टाग्राम के नॉर्मल ऐसे ही रैंडम एड्स पे भी वो मत किया करो। दो बार मेरा वो हो चुका है, मतलब पोपट हो चुका है बहुत गंदा वाला, और बहुत अच्छे अच्छे शब्द आ रहे हैं मेरे को इसके लिए, लेकिन मैं अभी नहीं बोल सकता इस प्लेटफॉर्म में। मतलब जिस दिन मेरे को पता चल गया है कौन है भाई यार, मतलब शर्म आनी चाहिए भाई, शर्म आनी चाहिए। पैसे ऐसी चाहिए मेरे से ऐसे ले ले भाई पैसे, तो क्यों फालतू में वो किया है पूरा भाई। अभी एक्सचेंज नहीं हो रहा, और ऐसा नहीं मेरा दिमाग इसलिए ख़राब नहीं हुआ कि ये पार्सल, इससे पहले भी एक और स्किन मंगवाया था, उसके कॉन्टैक्ट अनलेस एंड अंटिल दे डोंट हैव एनी कॉन्टैक्ट नंबर भाई, हेल्प वाला कॉन्टैक्ट मेल वेल तो दुनिया भर के इनके पास पड़े होंगे, जब तक कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है कॉल करके कंफर्म करो ऐसे लोगों से कि हाँ ये है तेरा नंबर है, कहाँ का एड्रेस है, जब जाया करो भाई। मेरे को डिलीवरी एड्रेस ही, मतलब जहाँ से डिलीवर स्टार्ट हुआ, डिलीवर तो मेरे घर हुआ है जहाँ से आया है ये पार्सल, मेरे को पता ही नहीं भाई किस साइड से आया, बस उत्तर प्रदेश लिखा है यहाँ पे यार। सही में भाई कल रात भर मेरा हुआ, मैंने कहा भाई अभी हम चल लिए, जो हमारा कल एक काम नहीं हो पाया था ये, रुको एक से आ रही है इसका। आज मैंने फ्रंट कैम, मतलब एक पेमेंट करनी थी तो किसी को, तो वहाँ पेमेंट करने जा रहा हूँ। और इसका एक और चीज़ है, इसका थोड़ा रैप पील निकल रहा है साइड साइड से, तो वो भी ठीक करवाने जा रहा हूँ अभी मैं। और आज मैं फ्रंट कैमरा से शूट कर रहा हूँ, देखता हूँ कि कैसे शूट होता है इससे। मतलब व्यू तो बढ़िया आ रहा है, लेकिन पकड़ने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, आदत सी नहीं है ना। तो अभी वहाँ जा रहे हैं, काम निपटाएंगे, उसके बाद जो ये चीज़ है आपका अमेजोन का, इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे भाई। नहीं यार थोड़ी ना फ्रंट कैमरा बस आप इस पे लगाओ, वही सही है, ये जो ये चीज़ है ना आपके होल्डर उस पे, नहीं तो एक तो फ़ोन बहुत भारी है भाई, मतलब प्रो मैक्स है ना बहुत बड़ा, पूरा फिट भी नहीं आ रहा। तो भाई जैसा कि आपको लास्ट व्लॉग में दिखाया था एक वीडियो में कि पील ऑफ हो रहा था, तो पूरा एक नया ही इसमें पूरी टेपिंग कर रहे हैं, सेम उसकी कलर की, सेम मटेरियल और पूरा जैसे कि ऐसा ही लगे, क्योंकि पील ऑफ होते हुए अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने कहा यार करवा ही लेता हूँ। छोटा था लेकिन भाई कोई वो ही मतलब ही नहीं बन रहा था ऐसे ऐसे ही पड़े रहने का। ये सेम चीज़ यहाँ इस वाले साइड और उस वाले साइड भी थी, दिखाऊंगा अभी जब वो ठीक हो जाएगा। ये देखो ये इस साइड भी देख रहे हो, सेम वैसे ही हुआ था उस साइड। ये थोड़ा ना अगर वैक्यूम ये लोग मारते हैं, इनको एक बार बोलना पड़ेगा वॉश करते हुए कि वैक्यूम मारते हुए थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि जो ये है ना ये जब गाड़ी के अंदर वैक्यूम मरता है तो उस जो प्रेशर होता है ना उससे ये थोड़ा सा निकलने लग रहा था। ये देखो तो ये अभी अगली बार से ध्यान में रखेंगे, इसको भी पूरा हटा के ये जो पूरी लाइन दिख रही है ये पूरी सही हो जाएगी। तो भाई हमारा ये तो सही हो गया पूरा, जो भी रैपिंग वैपिंग का था थोड़ा साइड से पील ऑफ हो रहा था, उस सब रीज़न भी बता दे क्यों हो रहा था,
एंड जो चीज ये मंगवाई थी अभी उसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। ये सही चीज है भाई, फोन होल्डर ना एकदम बढ़िया, एकदम फ्री हैंड होके आप वो कर सकते हो। ये देखता हूँ, एक चीज मंगवाई थी एक और, जैसे याद है जब एक बार ब्लॉग में जब दिल्ली में जा रहा था, इन्वॉल्व का एक परफ्यूम मंगवाया था वापस से, कोई प्रमोशन नहीं, कोई मेरे को किसी ने कुछ दिया नहीं इसमें भी, लेकिन मेरा मन कर रहा था इसमें भी मैं एक ये मंगवा दूं दूसरे टाइप का, ये हैंगिंग वाला भी आपको खोल के दिखाता हूँ। क्योंकि जो ये वाला है ना क्यूरेटेड का, ये जो ये चीज है ये आपका इतना वर्थ इट नहीं, मैंने देखा लॉन्ग टर्म के लिए, एक साल से चला है इसको बार बार रिफिल करना पड़ता है, प्रीमियम लगेगा लेकिन नॉट वर्थ इट इतना। बहुत अच्छी चीज थी लेकिन जब तक यूज हुई, अब ये करते हैं ये मुश्किल से भाई मेरे को कितनी 360 रुपए की पड़ी विद डिलीवरी। अभी इसको दिखाते हैं कौन सा है, ये इन्वॉल्व का एक्वा है, इसके अंदर अलग अलग आते हैं भाई, अर्थ फ्लेम स्पिरिट एम्बर करके आता है। तो एक इसको खोलते हैं अभी, स्मेल करते हैं। देखो ये इसका पूरा सिस्टम है, इसको हैंग कर देंगे, इसमें भी सीरीज थोड़ी बहुत अच्छी स्मेल आ रही है। इसको यहाँ पे जो रियर व्यू मिरर है ना वहाँ पे इसको ऐसे हैंग करके रख देंगे आ जाएगा, और साथ में इसके एक कोई कार्ड दे रखा है, वी होप यू लाइक आवर प्रोडक्ट, एक सब ऐसे करके ठीक है। और फिर आपका ये देखो ये ये इसका परफ्यूम है जो मैंने मंगवाया था, ये एक सेकंड जो इसको मैं स्प्रे करके देखता हूँ कैसा है, इसको इस पे स्प्रे करना होता है। देखो अच्छी स्मेल है भाई, मतलब सही है, बढ़िया है। मैंने बहुत चूज करके मंगाया, जैसे आंख बंद करके चूज कर दिया ना वैसे करके मैंने वो करवाया था। अब इसको ना यहाँ पे तो भाई ये वापस पैक कर दिया मैंने, जो मतलब जो उसका हैंगिंग का वो था वो लगा दिया, कि मतलब अच्छा रहता है कि इसको यहाँ रख देंगे। स्टोरेज स्पेस बहुत है भाई ये वाला हैंड रेस्ट ना, बहुत अलग अलग टाइप के भी आते हैं हैंड रेस्ट, लेकिन ये जो है ना जो मैंने दिल्ली से एक चीज सही हो गई कि जो ये हैंड रेस्ट बहुत प्रीमियम क्वालिटी का मिला है जहाँ से लिया था, भरत कार एक्सेसरीज से। और अभी यू टर्न लेते हैं अपनी गाड़ी को, और अभी भाई अभी माही को मेरे को अपनी बहन को लेने जाना है वापस, क्योंकि भाई ड्राइवर उसकी शायद तबीयत खराब है, वो आ नहीं रहा, बहुत दिन हो गए, 10-11 दिन हो गए मेरे को यार, कम से कम 4-5 दिन से तो मेरे को ही बोल रहे कि ये ले आ उसको यहाँ से ले आ वहाँ से ले आ, तो अभी मेरे को जाना पड़ेगा। और स्मेल भाई बहुत अच्छी आ रही है यार, पहले भी अच्छी आ रही थी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, पहले परफ्यूम बार बार स्प्रे कर देता था, ये ऐसा परफ्यूम ऐसे ही इसको हल्का स्प्रे कर देता अच्छी आ रही, लेकिन एक एयर फ्रेशनर बढ़िया होना चाहिए गाड़ी के अंदर, क्योंकि इसकी बहुत हाइप बनी हुई है ना, इन्वॉल्व करते रहते हैं। मैंने कहा यार जो चीज़ मेरे को एक बार वो हो जाती है ना यार कि एक बार पसंद आ गई तो ले ही लेता हूँ। तो अभी चलते हैं यार, और बताओ गाइस क्या हाल है, आपके व्लॉग पसंद आ रहे हैं आपको या नहीं आ रहे, मतलब आज थोड़ा सही मूड में, रिफ्रेशिंग रोज ही होता हूँ लेकिन आज इसके चक्कर में बहुत और मूड सही हो गया है। लोग तो भाई पूरा स्क्रिप्टेड बोलते हैं, मैंने मेरे को जेन्युइनली फ्रेश फील हो रहा है। तो भाई ये डॉलर का खाना भी ले लिया, थोड़ा सा खत्म सा हो रहा था, और उसका गैस चोरी खाना, उसकी तो तबीयत खराब हुई थी, तो इसका ये रॉयल कैन जो हमेशा से इसको देते हैं स्पेशली फॉर गोल्डन रिट्रीवर जो होता है, तो ये ले लिया, और इसका बिस्किट भी ले लिया, मैं क्या रास्ते में था लेते जाता हूँ, बहुत टाइम से पेंडिंग था इसके स्नैक जो उसको देते हैं, इसको पीछे रख देता हूँ, इसको लेते हुए जाएंगे अभी। और अभी चलते हैं इसको वापस क्लास भी छोड़ने, देखता हूँ मैं छोड़ता हूँ भाई कुंजल छोड़ देगा ठीक है। तो भाई अभी जैसे मेरा कुछ खाना आ रखा था ब्रेड पकौड़ा, तो इसके साथ बेसन का लड्डू था, ये इसको देखते देखते ऐसे अंदर आया देखो देखो कैसे कर रहा है, इसको पूरा तो आधा देता हूँ इसको, वैसे भी मीठा डॉग्स को देना नहीं चाहिए, रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन कभी कभी यार प्यार कर सकते हो आप, और रुक जा तेरे को थोड़ा वेट करना पड़ेगा। वीडियो डल चुकी है भाई, अभी 9 बजे आ जाएगी आपको, ये तो वीडियो कल आएगी जो अभी बना रहा हूँ, लेकिन अभी आपको 9 बजे जो मेरी कल वाली वीडियो थी आ गई भी और टिम हॉर्टन्स वाली, तो ये एक चीज़ मंगवाई थी, अनबॉक्सिंग तो थोड़ा कर लिया था मैंने पहले इसको, लेकिन आपको दिखा देता हूँ कि मतलब फुल फील के साथ, जैसे कि पता है कि भाई मैंने जिम शुरू कर दिया है, तो मैंने एक जिम का शेकर मंगवाया था, ये कौन सी कंपनी का है, मेड फॉर द बोल्ड कंपनी है शायद से, हाँ बोल्ड फिट वही है,
रुक जा नाराज मत हो। तो भाई ये मंगवाया था, पहले मंगवाया था लेकिन पता नहीं आया नहीं, फिर रीऑर्डर किया और मेरे सारे शेकर्स वो हो गए थे। तो अब से भाई ये यूज़ करूँगा मैं अपने इसके लिए वर्कआउट के। यहाँ आप प्रोटीन डाल सकते हो, ये खुल सकता है और ऊपर यहाँ पूरा आपका प्रॉपर ये है शेक, बीच में स्प्रिंग डली हुई, प्रॉपर तरीके से कर सकते हो आप। और ये देखो उदास होके बैठ गया मेरा बच्चा यहाँ पे, हाँ डाल दे, ले 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 ले, इसको दे देते हैं थोड़ा, इतना सा देंगे। अरे टूट गया तो, हाँ ये ले ले। सो गाइस आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम भाई, मतलब मेरे जब भी चला रहा हूँ ना आजकल बहुत, मतलब 3-4 दिन छोड़ के चला रहा हूँ गाड़ी, तो क्रेटा चला रहा हूँ आज। और भाई इसमें बैठने के बाद ऐसी फीलिंग आ रही, मतलब थोड़े थार इतनी कंफर्टेबल नहीं है ना, ये थोड़ी कंफर्टेबल सी हो जाती है अपनी, मतलब ये बहुत आराम मिल रहा है। क्योंकि अभी रिसेंटली जैसे पता है जिम स्टार्ट किया तो बहुत दर्द रहता है बैक में, तो भाई अभी बैठा है इसमें लगा कि हाँ भाई कंफर्ट तो ये है, ये इसमें है कंफर्ट, थार इतनी कंफर्टेबल नहीं है। मतलब शौक शौक वाली गाड़ी अब लिटरली, मतलब कि बहुत दिनों से वो चला रहा हूँ ना, अब हल्का सा चेंज हो जाता है तो बहुत कम्फर्ट लगता है भाई गाड़ी में, बहुत हद से ज़्यादा। और ये यहाँ पे कोटेशन थी कोई गाड़ी की जो लेने वाले थे, लेकिन अब वो डिसकंटिन्यू हो गई है डीजल में, तो अब कोई मतलब ही नहीं है, पेट्रोल तो लेनी नहीं है। और अभी जा रहे हैं हम माही का वो लेने के लिए, क्या मेरी बहन के दवाई कुछ है तो वहाँ सारा मॉल के पास है, वो होम्योपैथी का कोई स्टोर है, तो वहाँ से अभी इसकी दवाई लेने जाएंगे और उसके बाद आके जिम भी जाना है। अभी टाइम 5 बजे, अभी जो टाइम है 7 बजे जाऊँगा जिम, तो 7 बजे जिम जाऊँगा, पहले देखते हैं कब तक कितना टाइम लगता है वहाँ पर, उसके बाद देखते हैं। भाई यहीं लग गया आधा घंटा, ऑलमोस्ट 6 बज चुके हैं और ये सारी दवाई ले ली, 4 पैकेट नहीं 3 पैकेट में दिए। और एक और चीज़ दिखानी थी, साथ में ये ले आया भाई, ये जो चीज़ थी ना मीठी गोली, तो एक चीज़ बता दूँ, जो बचपन में ना पसंद नहीं होता किसी को भी डॉक्टर के पास जाना, तो भाई जब पसंद नहीं होता ना तो ये लोग मेरे को ये दे देते थे कि मीठी गोली खा ले, मीठी गोली खा, चुप करा के लिए। मैंने कहा चलो यार मीठी गोली आज दे दो, बचपन की यादें ताज़ा हो जाएगी। अभी देखो इतनी खा भी ली मैंने वहीं बैठे बैठे पूरी फुल में से, खाते क्या खाते क्या खाते हैं। मैंने कहा यार क्या दिन थे यार वो। सो गाइस 9 बज चुके हैं और अब कल भरवाना पड़ेगा कि इसकी लिमिट खत्म हो चुकी है। अब कह रहा है भाई ये भी अब भरवा दे, ब्लिंक कर रहा है देख सकते हैं यहाँ पे, जब जिम गया था जब से कर रहा था, तो इसे कल भरवाना पड़ेगा। आज बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला भाई, 1% भी टाइम मिला। और आज का ठीक ठाक सा वर्कआउट था, 3rd दिन लगातार गया मैं बढ़िया तरीके से। तो लाइट ऑन कर ले, तो एक तो इसमें ना लाइट की कमी है गाड़ी में, ये सब तो ठीक है, लेकिन अगर व्लॉगिंग कर रहा हूँ अगर मैं फ्लैश लाइट ऑन कर, तो कभी कभी ठीक है ना, आंखों में वो हो जाती है यार, वो चुभने लग जाती है, तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो वर्कआउट कर लिए, 3 दिन लगातार चले गए, अब देखते हैं, मतलब जाना ही है वैसे तो। अब मेन है कि एक बार पूरा फॉर्म बन जाए ना, उसके डाइट वाइट स्टार्ट कर लेंगे। और वही, और कल वही ये गाड़ी जाएगी आपकी वापस महिंद्रा के स्टेशन, सर्विस स्टेशन जाएगी, और फिर ये ठीक इसको देखते हैं क्या करवाना है, क्योंकि आज जा नहीं पाया, टाइम ही नहीं मिला भाई। और अब से बताओ क्या कर रहा हूँ, मैंने ब्लॉगिंग का टाइम चेंज कर रहा है, 9 बजे क्योंकि सुबह एडिट करूँगा और शाम तक अपलोड कर दूँगा, क्योंकि रूटीन ना बहुत ख़राब हो जाता है, मैं रात को फिर एडिट करता हूँ, कभी कुछ दिक्कत है, कभी रेंडर वेंडर जिसमें भी दिक्कत होती है, लेकिन वो बहुत लेट हो जाता है और मेरा पूरा स्लीपिंग स्केड्यूल बिगड़ जाता है। तो मैं सोच रहा हूँ कि भाई जैसे मैं इतने टाइम से अभी 1-2 दिन से मैं 9 बजे डाल रहा हूँ रात को, जैसे आज भी आपको 9 बजे ही व्लॉग आएगा जो आप अभी देख रहे होगे कल, तो वही है बस अभी। और भाई इसी के साथ व्लॉग भी यहीं एंड करते हैं, अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना, और बाकी इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो वो भी कर लो, और मिलते हैं आप सबसे फिर नेक्स्ट व्लॉग में, चलो।